तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही एक कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल की एक हिडन ऐप होती है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर मिलती है। इसके अंदर एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बताऊँगा, सैमसंग गैलेक्सी की सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग मतलब कि आप अपने आप को डिजिटल से कैसे बचा सकते हैं, डिजिटल लाइफ से, उस तरीके से यह काम करती है और बहुत ही कमाल की ऐप होती है। इसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या क्या नए इस ऐप में आप कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल वेलबींग के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद माय अपडेट्स वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा डिजिटल वेलबींग करके। डिजिटल वेलबींग होता क्या है और क्या इसमें नए नए चेंजेस किए गए उसके बारे में बता दो। तो सबसे पहले अगर नीचे की तरफ आएँ तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 5 अप्रैल को, जिसका वर्जन नंबर है 5.1.0.14, यानी ये 14 MB का अपडेट है। अब बात करें इस डिजिटल वेलबींग में काम क्या करता है। डिजिटल वेलबींग मतलब कि आप डिजिटल तरीके से अपने आप को मैनेज करना और अपने आप को मोबाइल से दूर रखना, उस तरीके से ये काम करता है। इन्हांस लेआउट द मेन स्क्रीन ऑफ डिजिटल हैज़ बीन रीडिजाइन मेकिंग इट इजियर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीडेड। तो यहाँ पर जो उसकी मेन स्क्रीन को रीडिजाइन कर दिया गया ताकि आप इजीली इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सके। और मोर कंटेंट इन वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे नए कंटेंट्स दे दिया गया है, लाइक यूजर पैटर्न, पीक यूजर्स टाइम एंड हाउ मैनी बैलेंस योर स्क्रीन। तो उसको पहले तो कर लेते हैं अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या क्या करता है। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है अपडेट। तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंट्स कंट्रोल का ऑप्शन, आपको उसके अंदर चले जाना है। तो डिजिटल वेलबींग क्या करता है, ये पूरे मोबाइल को आपको कंट्रोल करता है कि आप कहाँ का अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के मोबाइल में कंट्रोल डाल सकते हैं डिजिटल वेलबींग के थ्रू, ताकि वो ज़्यादा मोबाइल ना चलाए या ये वाली ऐप्स ना चलाए। तो आप उसमें एक रिस्ट्रिक्शन जैसे डाल सकते हैं। लाइक डिजिटल वेलबींग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या बता रहा है कि मैंने एक घंटा क्या करा है टुडे, 1 घंटा 41 मिनट्स मैंने सोशल 46 मिनट यूज़ किया है, अदर 43 मिनट्स यूज़ किया, प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस 11 मिनट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ऐसे ही मंडे में आऊँगा तो यहाँ पर अदर मैंने 1 घंटा 48 मिनट यूज़ किया है सोशल। मतलब पूरे आप अपने मोबाइल के ट्रैकिंग कर सकते हैं 1 वीक तक की, आप देख रहे होंगे। नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे आपको नोटिफिकेशन भी बता रहा है कितनी आपके पास नोटिफिकेशन आई है, कितनी सोशल नोटिफिकेशन है, कितनी फालतू की नोटिफिकेशन है, कितनी बार आपने अनलॉक किया है। तो पूरी तरीके से अपने मोबाइल को आप ये एनालिसिस कर सकते हैं इसके द्वारा। अगर आप अपने बच्चे का मोबाइल या अपने आप को भी देखना चाहते हैं, या फिर आप जैसे कि आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं कि अपने आप को मोबाइल से कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इन इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उससे कैसे मैं अपने आप को बच सकूँ, तो आप उसको यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे। या ऐप्स वाइज जाएंगे तो सारी ऐप्स वाइज भी बता देगा, ऐप्स वाइज जाएंगे तो आपको ऐप्स वाइज भी बता देगा कि आपने कौन कौन सी ऐप कितने कितने मिनट्स यूज़ करी हैं, कितनी बार उसके लिए आपने अपने मोबाइल को अनलॉक किया, ये सारी चीज़ें आपको एनालिस करके बताता है। तो ये होता है डिजिटल वेलबींग, ठीक है। ये हो गया, आपको सबसे पहले डैशबोर्ड मिलता है, उसके नीचे आएंगे मोस्ट यूज्ड ऐप, आपने सबसे ज़्यादा कौन कौन सी ऐप्स को यूज़ किया है वो आपको बता देगा। देन उसके बाद आएगा सेट टाइम गोल। लाइक मान लो सेट करना चाहता हूँ कि मैं अपने मोबाइल को 2 घंटे 13 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करूं, तो वो आपको उसके बाद एक एरर दे देगा कि भैया आपने अपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, अब आप इसको बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप ऐप टाइमर में भी लगा सकते हैं, ऐप टाइमर इंस्टाग्राम में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो सोशल में आपके फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सब कवर हो जाएगा और उसके बाद वो ऐप्स नहीं चलेंगी, वो लॉक हो जाएंगी उस टाइम पर, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद ड्राइविंग मॉनिटर, अगर आप ड्राइव करते हो, अगर आप चाहते हैं कि ड्राइव करते टाइम मेरा फोकस ना बिगड़े और मेरे पास इन सब ऐप्स पर ध्यान ना जाए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। वॉकिंग मॉनिटर में भी आप ऐसे ही सेट आउट कर सकते हैं कि अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान और कहीं ना जाए और फोकस मेरा वहीं पर रहे, ठीक है। इसके बाद आता है मेन पेरेंट्स कंट्रोल। पेरेंट्स कंट्रोल पर जाएंगे तो आपसे एक परमिशन मांगेगा और एक ऐप आपको अपने दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करना रहेगी, और आपको एक पेरेंट रहना पड़ेगा और एक चाइल्ड रहना पड़ेगा, तो उसके थ्रू दोनों में आप मैनेज कर पाएंगे कौन सी ऐप वो एक्सेस कर पाए, कौन सी ऐप एक्सेस नहीं कर पाए, सारी तरीके से आप अपने आप को सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर आप सर्च में नॉर्मल सर्च जो करना है वो कर सकते हैं। देन बगल में आता है आपको यहाँ पर वीकली रिपोर्ट्स, तो पूरी वीकली रिपोर्ट्स मिल रही होगी। आप देख सकते हैं मैंने संडे को सबसे कम यूज़ करा, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
एंड देन सैटरडे तक पूरी की आप यहाँ पर रिपोर्ट दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा कब मैंने मोबाइल यूज़ करा और क्या क्या ऐप्स को यूज़ करा, कितना मेरा एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम है, स्क्रीन ऑफ टाइम मेरा कितना है, वीडियो मैंने कितनी बार यूज़ करी, कितनी बार यूट्यूब को यूज़ करा, कितनी बार पीक टाइम्स, मतलब कितनी बार ये जहाँ पर हार्ड कलर्स दिख रहे हैं ना, ये मेरा पीक टाइम्स है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा मैं मोबाइल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पीक टाइम सोशल्स, पीक टाइम अदर, सब एक्टिविटी आपको यहाँ पर बता देगा। फिर मोस्ट यूज्ड ऐप, आपने एक वीक में 5 घंटे 19 मिनट आपने इंस्टाग्राम यूज़ करा, व्हाट्सअप 2 घंटे यूज़ करा, पावर डायरेक्टर 2 घंटे यूज़ करा, तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिस करके ये बता देता है और इससे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को डिजिटल के थ्रू बचा सकते हैं। तो यही था डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग के ऐसे ही नए अपडेट्स या ऐसी सैमसंग के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको इजीली मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।